गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। सो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर करिए। हम लोग 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये हमारा बाइलिंगुअल सेशन है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। देखते हैं पहले हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। सो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। गाइज सब लोग लाइक और शेयर करिए वीडियो को। सो गुड मॉर्निंग, वी हैव राहुल राणा, वेरी गुड मॉर्निंग। विनी विनीत, गुड मॉर्निंग। यस अंकित, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनीत। चलिए ओके, आई होप आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। सो आज का वर्ड ऑफ विजडम देखिए। सबसे पहले, लिमिटेशंस लिव ओनली इन आवर माइंड्स बट इफ वी यूज आवर इमेजिनेशंस आवर पॉसिबिलिटीज बिकम लिमिटलेस। तो देखिए क्या होता है कि लिमिटेशन सिर्फ केवल हमारे दिमाग में होती है। गुड मॉर्निंग पलविंदर, गुड मॉर्निंग आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। गाइज एक बार कन्फर्म करिए आवाज़ आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सो लिमिटेशंस केवल हमारे दिमाग में होती हैं, ठीक है। अगर हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करेंगे और ये सोचेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम चाहे वो अचीव कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़ लिमिटलेस हो जाती हैं। तो जो भी आपने अपने लिए गोल निश्चय किया है, उसको ये सोचिए कि आप उसको अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये कभी मत सोचिए कि आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं और उसके लिए आप मेहनत करिए, सक्सेस आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। चलिए इतने सुंदर वर्ड ऑफ विजडम के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। सो फटाफट से पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चंस के आंसर बताइएगा सभी लोग, ठीक है। अंकित, विनीत, आकाश, आशीष, तनु, पलविंदर, सभी लोग रेडी है ना। चलिए सो बताइए, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज स्टार्टेड इज 5-डे ट्रिप टू डैश। विदेश मंत्री जो है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कौन से देश के लिए अपनी 5-दिवसीय यात्रा शुरू की है? जापान, US, फ्रांस एंड UK। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए गाइस। यस राइट अंकित, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी गुड। यस राइट, गुड मॉर्निंग सतीश, वेरी गुड मॉर्निंग। यस आकाश, राइट तनु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश हैड साइंड अ MOU विद तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए उस योजना को तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ किसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौन है वो? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, देन वी हैव नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड इंडियन हेल्थ सर्विस। जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। यस क्विकली कमेंट करिए, बिल्कुल सही आंसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यस गुरजंत, प्रवीण, आकाश, आशीष, पलविंदर, गुड मॉर्निंग आशीष गुप्ता। यस दिवेश, राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। चलिए नितिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो वैसे भी याद होना चाहिए, आयुष्मान भारत के लिए ये आपकी क्रियान्वित एजेंसी है, या क्रियान्वयन करती है उसका, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सो इसके अंतर्गत 5 लाख का कवर प्रदान किया जाता है पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। फैमिली की साइज पर कोई कैपिंग नहीं है, फैमिली में एज पर कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है। केवल जो है यहाँ पर जो आपकी लिमिट है फॉर पर ईयर एक्सपेंडिचर, उस पर लिमिट है 5 लाख की, राइट। चल नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स अनुराग सिंह ठाकुर ने एक पहला जो चरण है MCA वर्जन 21 वर्जन 3 का, उसको लॉन्च किया। इसका जो दूसरा और फाइनल वर्जन है उसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो MCA 21 क्या है? ये पोर्टल है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, ठीक है। सो इसका जो सेकेंड और फाइनल फेज है कब लॉन्च किया जाएगा? जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। येस राइट सचिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आशीष रेड, राइट बिल्कुल सही आंसर है। येस तनु, राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, येस गुरजंत, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पलविंदर, आकाश, विनीत ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नॉट सी। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एंटी कोविड संजीवनी परियोजना ऑन 24 मई 2021।
किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो इसमें जो आपके मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, सो उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये जो भी आपके सिम्टम्स हैं, जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं कोविड के, उनको जो भी यहाँ पे समस्या होगी उनको मेडिसिन की प्रोवाइड की जाएगी, उनको टेली कंसल्टेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो येस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली हरियाणा। येस सचिन, आशीष, अंकित, बलविंदर, प्रवीण, राहुल। राहुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नॉट ऑप्शन सी। गुरजंत, सतीश, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस तनु, नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली इंडिया है डैश हैज़ साइंड अ 3 ईयर जॉइंट वर्क प्रोग्राम टू एनहांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। भारत और डैश ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 साल के संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं स्पेन, फ्रांस, इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फटाफट से बताइए गाइस, कौन सी कंट्री के साथ किया है ये? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इसराइल। तो इसराइल और हमास का अभी स्ट्राइक चल रहा था, तो ये युद्ध में था, सॉरी न्यूज़ में था, युद्ध में थे दोनों, और अभी सीज फायर वहाँ पर हो चुका है। और इंडिया और इसराइल जो है 3 ईयर जॉइंट वर्क प्रोग्राम में इन्होंने साइन किया है, ये बहुत पहले से चला रहा है। इसमें क्या होगा, जो भी किसान होंगे भारत के, उनको बताया जाएगा कि कैसे इसराइल में खेती होती है, कैसे वाटर कंजर्वेशन करके, कम पानी का इस्तेमाल करके आप बढ़िया खेती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। यस राइट, पलविंदर, सतीश, आशीष, प्रवीण, विनीत, राहुल, गुरजंत। यस राइट, राहुल राणा, आकाश, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हुई थी, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रिक्वेस्ट किए हैं मेंबर कंट्रीज से कि भाई आप जो डायबिटीज़ है इसको एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अडॉप्ट करिए। सो 1 ओनली 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 एंड नन ऑफ द अबव। यस सचिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये चेयर किसने किया था, ये हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे, कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको, ठीक है, चेयर किया गया था। यस ऑप्शन बी, प्रवीण, सतीश, आशीष, अंकित, यस तनु, पलविंदर, गुरजंत, यस राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड गाइस, डॉक्टर हर्षवर्धन है सतीश। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विच इज द लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर फॉर इंडिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक कौन है? US, मॉरिशस, सिंगापुर एंड यूनाइटेड किंगडम। फटाफट से बताइए, सबसे बड़ा FDI इन्वेस्टर भारत के लिए कौन है? यस विनय, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज सिंगापुर। ठीक है, यस आशीष राइट, सिंगापुर करेक्ट आंसर है। सचिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अंकित, प्रवीण, तनु, गुरजंत, सतीश, यस आकाश राइट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। वेरी गुड गाइस, ठीक है, पहले नंबर पे कौन है आपका? सिंगापुर है। यस विनीत, विनय राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द TDB नेशनल अवार्ड 2021। निम्न में से किसने TDB राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता है? ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज, आइसोटोपिक लैब्स, UPL लिमिटेड एंड आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल अवार्ड 2021। तो ये दिया गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स में, मिथेनॉल और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यस राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आशीष, अंकित राइट, ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज राइट, सचिन, प्रवीण, गुरजंत राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बिल्कुल, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है ये आपका, ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज। विनय, राहुल राणा राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पलविंदर राइट। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली शाहजी NM, अ फार्मर फ्रॉम केरला, हैज़ वॉन अ प्रेस्टिजियस अवार्ड। इस अवार्ड का नाम क्या है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ एंड एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स। तो ये जो फार्मर हैं, इन्होंने बहुत अलग अलग कह सकते हैं सब्जियों की वेराइटीज़ को इन्होंने ग्रो किया, जैसे हल्दी की 30-40 वेराइटीज़ ये ग्रो कर चुके हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सो करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड गाइस,
बिल्कुल सचिन, आशीष, अंकित, गुरजंत, प्रवीण, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। यस तनु, राइट। पलविंदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, विनय बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन पीजीए चैंपियनशिप, निनमें से किसने पीजीए चैंपियनशिप जीता है, जूलियस बोरोज, टाइगर वुड्स, जिमी एडम्स एंड फिल मिकेलसन। तो पीजीए चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है, पहले तो ये याद कर लीजिए, गोल्फ से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। ट्यूबरमैन, ट्यूबरमैन इनको कहा जाता है अंकित, प्रवीण, यस, ट्यूबर को इन्होंने ग्रो किया था, कल मैंने आपको बताया था ना ट्यूबर को क्या कहते हैं, ठीक है, ट्यूबर जो होता है आपका। कंद कहते हैं इसको, कंद, ठीक है, कंद की बहुत सारी वैरायटीज उन्होंने बोई थी, इसीलिए उनको ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। यस, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फिल माइकलसन, फिल मिकेलसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस पलविंदर, नितिन, नितिन इसका ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा। यस विनीत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरजंत, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, फिल मिकेलसन ने जो है रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने इतनी एज में जाकर इन्होंने कोई बड़ा मेजर चैंपियनशिप जीता है, इससे पहले ये रिकॉर्ड जूलियस बोरोज का था, लेकिन अभी फिल मिकेलसन का बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड थायरॉयड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश, विश्व थायरॉयड दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, 27 मई, 17 अक्टूबर, 25 मई और 24 जून। जल्दी से बताइए गाइस, जो वर्ल्ड थायरॉयड डे है ये आपका कब मनाया जाता है, क्विकली बताइए कमेंट करके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 25 मई, 25 मई को मनाया जाता है। यस तनु, आशीष, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यस सचिन, प्रवीण, यस बिल्कुल, गुरजंत, विनीत, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सतीश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यस विनय, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। गाइज, यहाँ पर वॉचिंग इतने सारे और लाइक्स इतने कम हैं, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, सो गाइज, ये तो हमने प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिविजन कर लिया है, अब हम जो आज के न्यूज़ हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, कुछ मिसलेनियस न्यूज़ भी देखेंगे, तो लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा। सो शुरुआत करते हैं हम लोग, कैबिनेट ने अभी MOU पर हस्ताक्षर जो है किए जाने हैं उसको अप्रूवल दे दिया है, ICOAI और किसने साथ में इसमें साइन किया है, ICSI और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ही आपका MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सो जो दोनों इंस्टीट्यूट से उन्होंने MOU साइन किया अलग अलग फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया का जो ये आपका है, देन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट UK, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी UK, इन सब के साथ यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेमोरेंडम का, तो देखिए, क्योंकि आपका ये इंस्टीट्यूट्स के बीच में है, तो वो नॉलेज शेयरिंग करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, टेक्निकल कॉपरेशन के लिए, तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सो दिस MOU विल हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड इनोवेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। तो इससे जो लोगों की जो दक्षता है, जो जवाबदेही है, वो बढ़ेगी, और साथ ही में जो इनोवेशन है लोगों में, नवाचार है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ICOAI की हम बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक वैधानिक निकाय है, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है भारत में CA का, उसको जो है ये रेगुलेट करता है। अच्छा, इसको कॉस्ट वर्क्स एंड अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 के तहत जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा ICSI की हम बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपकी कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंतर्गत स्टैब्लिश की गई थी, ये आपकी जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, CAs जो होते हैं, उनके लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड MOUs बिटवीन ICOAI एंड ICSI विद फॉरेन कंट्रीज एंड दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से बताइए। थैंक यू नितिन, वेरी थैंक यू सो मच। विनीत, इसके नोट्स जो है आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास,
ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड का, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में सेपरेटली है, दोनों लिंक आपको प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड आकाश, चलिए, यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज बोथ वन एंड टू, राइट, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। सचिन, आशीष, अंकित, चलिए, यस, प्रवीण, विनीत, तनु, आशीष, राज, पलविंदर, राइट, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैक्स वर्स्टैपन विंस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वर्स्टैपन ने पहली बार अपने करियर में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो इस बार इनकी सेकेंड विक्ट्री है सीजन की, उन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था डे विद 14 पॉइंट्स पीछे थे वो ल्यूस हैमिल्टन से, फिर उसके बाद ल्यूस हैमिल्टन ने फिर लास्ट में जाके सेवेंथ पोजीशन पे एंड किया रेस को। फरारी के जो कार्लोस सियांस हैं उन्होंने सेकेंड स्पॉट प्राप्त किया है, फर्स्ट कौन आए हैं, मैक्स वर्स्टैपन आए हैं। ठीक है, अच्छा, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की हम बात करें तो ये आपका फॉर्मूला वन रेसिंग मोटर रेसिंग इवेंट है, ये 1929 से हर साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो बहुत पुराना आपका ये एक ग्रैंड प्रिक्स है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस ऑटोमोबाइल रेसेज इन द वर्ल्ड, सबसे प्रतिष्ठित जो ऑटोमोबाइल रेसेज होती है उनमें से ये एक है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। सो क्वेश्चन देखिए, हुमंग द फॉलोइंग हैज वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, जिनमें से किसने अपने करियर के में पहली बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, कार्लोस सियांस एंड रिचर्ड पेटी, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइएगा इस कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, राइट, सचिन का आंसर आ चुका है, मैक्स वर्स्टैपन, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। यस, तनु, प्रवीण, आशीष, अंकित, गुरजंत, राइट, गुरजंत ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नॉट ऑप्शन सी। कार्लोस सैंस जो है ये आपके सेकेंड पोजीशन पे आए हैं। यस, पलविंदर, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राहुल, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यस, निर्लेप, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेशनल मिशन ऑन बायोमास यूज इन कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, तो इसको अभी डिसाइड किया गया है नेशनल, आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया है कि भाई हम एक नेशनल मिशन को सेटअप करेंगे बायोमास यूज़, ताकि हम जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बायोमास का इस्तेमाल कर सकें। तो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट पावर प्लांट कौन से होते हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया था कि कोयले को जलाकर उसकी से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है, तो ऐसे थर्मल प्लांट पावर प्लांट में कोयले की बजाय बायोमास यूज़ करने की बात की जा रही है, उस पर एक नेशनल मिशन जो है सेटअप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जो को फायरिंग लेवल है इसको 5% से बढ़ाकर और हायर कर दिया जाए। सो इसकी जो मोडालिटीज़ हैं कि क्या इसमें स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसका ऑपरेशन मतलब कैसे इसको कंडक्ट किया जाएगा, वो सब फाइनलाइज नहीं हुआ है, बस इतना बताया गया है कि इस मिशन का जो मिनिमम टाइम होगा वो 5 साल का होगा। ठीक है, चलिए, सो द मिशन वुड ऑल्सो हैव अ स्टेयरिंग कमिटी हेडेड बाई सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर कंप्राइजिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इसमें क्या करेंगे, मिशन में एक स्टेयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें सेक्रेटरी ऑफ पावर जो है वो हेड करेंगे उसको। सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू सेटअप द नेशनल मिशन ऑन बायोमास यूज इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, निम्न में से किसने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जल्दी से बताइए। यस, राइट, आशीष का देखिए आंसर आ चुका है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, अंकित, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिल्कुल विद्युत मंत्रालय, यस, राइट, तनु, प्रवीण, पलविंदर, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, शिवशंकर मेनन राइट्स न्यू बुक टाइटल इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। शिवशंकर मेनन, इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है इंडिया एंड एशियन पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इसका जो पहला पार्ट है बुक का वो कवर करता है ड्यूरेशन हमारा डीकोलोनाइजेशन से लेकर ग्लोबलाइजेशन तक का जो समय है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कंटेम्प्रेरी एशिया जो समकालीन एशिया है उसको कवर करता है। ये एक इंडियन डिप्लोमैट है और इस किताब में इन्होंने पूरा एनालाइज किया है कि कैसे इंडिया की जो पोजीशन है, हाउ इंडिया इज़ ग्रोइंग एज काउंटर टू चाइना इन एशिया,
और इसके अलावा जो शिवशंकर मेनन है ये फोर्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे थे भारत के अंडर प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उस समय में। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, NSA कौन है, अजीत डोवाल है। ठीक है, क्लियर सभी को? सो क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? TCA राघवन, MK नारायणन, JN दीक्षित एंड शिवशंकर मेनन। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, पलविंदर, आकाश, राहुल, आशीष, तनु, प्रवीण। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड आशीष, बिल्कुल सही आंसर है। प्रवीण, अंकित, यस, तनु, सचिन, राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शिवशंकर मेनन। यस आकाश, राइट, गुरजंत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया विल ओपन अ न्यू कॉन्सुलेट इन मालदीव्स। भारत ने अभी अप्रूवल दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कि भाई एक नया कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको ओपन किया जाएगा। कहाँ पर? जो अद्दू सिटी है मालदीव्स में, वहाँ पर इसको खोला जाएगा। सो इससे क्या होगा, जो हमारा मालदीव्स और भारत के बीच में रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, राजनयिक संबंध है, ये बेहतर होने में मदद मिलेगी। तो अभी आपको पता है कि इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका मालदीव्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का हमारा सागर मिशन है, सागर मिशन क्या है कि जो आपका ये इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पर सभी के लिए सिक्योरिटी हो और ग्रोथ हो, तो उसका भी मालदीव्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो अगर हम देखें कि मालदीव्स और इंडिया जो है ये बहुत अपना एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल रिलेशन अपना शेयर करते हैं और दोनों के बीच में जो है आपके द्विपक्षीय जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, गुड बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं। एंड इंडियाज गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मालदीव्स विल हेल्प इन इम्प्रूविंग कमर्शियल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो अब डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तो आपके जो ट्रेड रिलेशन है वो भी और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सो मालदीव्स की हम बात करें, सो ये एक आपका स्मॉल आइलैंड नेशन है। कहाँ पर? साउथ एशिया में, अरेबियन सी में आपका बेसिकली लोकेटेड है। और इंडियन जो हमारा मेनलैंड है एशियन कॉन्टिनेंट का, वहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका के साउथ वेस्ट में आपका लाई करता है। कैपिटल इसकी माले है, करेंसी मालदीवियन रुफिया है। प्रेजिडेंट कौन है मालदीव्स के करंटली? इब्राहिम मोहम्मद सोली है। सो मैप में लोकेशन देख लीजिए गाइज। सो ये आपका मालदीव्स है, देख लो, श्रीलंका के साउथ वेस्ट में आपका लाई करता है। ठीक है, तो अरेबियन सी में इसकी पोजीशन है मालदीव्स की। कैपिटल क्या है इसकी? माले है। तो देखो इस पर लोकेशन एक बार इसको ध्यान से देख लेना, ये आपका मालदीव्स है, मालदीव्स के बाद आपका सेशल्स आता है, फिर आपका मॉरिशस की लोकेशन आती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया गाइस किसी को? मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो गाइस पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो गाइस पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ ओपनिंग अ न्यू कॉन्सुलेट इन डैश। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने डैश में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्पेन, बांग्लादेश, नेपाल एंड मालदीव्स, जल्दी से बताइए। देखिए एम्बेसी भी दूतावास ही होता है, कॉन्सुलेट भी दूतावास ही होता है। ठीक है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, दोनों में ही आपके जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो आपके एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपके बैठते हैं दोनों में। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज़ होती है, दूतावास आपका, दोनों ही दूतावास होते हैं आपके। ठीक है, कॉन्सुलेट का आपका थोड़ा ही वाणिज्यिक वाला हो जाता है, ठीक है, कमर्शियल आपका ही हो जाता है थोड़ा सा। बाकी जो आपका एम्बेसी वाला होता है उसमें आपका प्योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए वो आपका होता है। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मालदीव्स, राइट। यस आशीष, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन, अंकित, यस प्रवीण, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। राहुल राणा, आशीष राज, राइट। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट द NDRF अकेडमी इन नागपुर। तो यूनियन कैबिनेट ने एक पोस्ट डायरेक्टर की बनाने के लिए
NDRF एकेडमी जो है नागपुर में, उसके लिए मंजूरी दे दी है। NDRF एकेडमी जो है ये आपकी इस्टैब्लिश की गई थी 2018 में नागपुर में। ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ सकता है कि NDRF एकेडमी कहाँ पर है। तो 2018 में नागपुर में इस्टैब्लिश की गई थी। जो NDRF के जो भी आपके वॉलंटियर्स हैं, मतलब जो पर्सोनल हैं NDRF के, SDRF के, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। सो ये जो पोस्ट ऑफ डायरेक्टर है, इससे क्या होगा, इस इंस्टीट्यूशन में बेटर कमांड और कंट्रोल दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये ट्रेनिंग भी प्रदान करेगा डिजास्टर रिस्पॉन्स पर्सनल ऑफ सार्क और अदर कंट्रीज़ को। NDRF की हम बात करें तो जब भी आपके यहाँ पर कोई भी डिज़ास्टर आता है भारत में, तो NDRF सबसे पहले यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्स फोर्स होती है। सो ये आपकी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो पास किया गया था, उसके अंतर्गत इसको 2006 में इस्टैब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 12 बटालियंस हैं और 1149 मेंबर्स हैं हर बटालियन में। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका है कि भाई जो इमीडिएट असिस्टेंस है, चाहे तो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, वहाँ पर ही एक्टिव हो जाती है। जैसे अभी साइक्लोन आ रहे हैं आपके, साइक्लोन यास आया, इसके अलावा इसके पहले आपका जो साइक्लोन कौन सा आया था, निसर्ग आया था लास्ट ईयर, ठीक है, इससे जस्ट पहले आपका साइक्लोन तकौते आया। तो वहाँ पर जो एक रिस्पॉन्स फोर्स पे जो आपका वर्क करती है NDRF SDRF, ये वर्क करते हैं, ठीक है। राहुल, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द क्रिएशन ऑफ अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एट द डैश। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश में निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी दी है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? येस राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। येस आशीष, सचिन, अंकित, तनु, येस आशीष गुप्ता, राइट, करेक्ट आंसर है। प्रवीण, राहुल, सतीश, निलेप, राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज NDRF अकेडमी, राइट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। सुबोध कुमार जायसवाल को अपॉइंट कर दिया गया है डायरेक्टर ऑफ CBI। हम इतने दिन से कह रहे थे कि CBI के डायरेक्टर अभी इंटरिम है प्रवीण सिन्हा, और अभी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाने हैं, तो फाइनली अपॉइंटमेंट हो चुका है। सुबोध कुमार जायसवाल जो CISF के अभी डायरेक्टर जनरल थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ CBI। सो इन्होंने सर्व किया है एज द चीफ ऑफ महाराष्ट्र पुलिस फ्रॉम 2018 टू 2019। तो इनको 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उनका नाम जो है शॉर्टलिस्ट किया है। तो CBI जो होता है, इसके एक डायरेक्टर होते हैं, और ये 3 जो मेंबर कमेटी होती है उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें 3 जो मेंबर कमेटी होती है, इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, एक लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो होते हैं, और साथ ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये तीनों लोग मिलकर जो है नाम को यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, ये इनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है CBI के डायरेक्टर का। सो CBI की हम बात करें, ये आपका वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रेवियांसेज एंड पेंशंस। अब सोच के तो लगता है CBI है कुछ, आपका डिफेंस हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो सकता है, बट इसकी मिनिस्ट्री डिफरेंट है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियांसेज एंड पेंशंस, इस के अंतर्गत कार्य करता है ये। सुबोध कुमार जायसवाल को अपॉइंट कर दिया गया है नाउ एज द डायरेक्टर ऑफ CBI। जो CBI का गठन हुआ था, ये संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, और ये जो है आपकी अपनी जो ये पावर ये डराइव करता है, किससे ड्राइव करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये अपनी पावर जो है वो डराइव करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत सिन्हा, सुबोध कुमार जायसवाल, सुजीत सिंह देसवाल एंड सुधीर प्रताप सिंह। यस, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यस राहुल, सही आंसर है आपका। तनु, आशीष, प्रवीण, सचिन, यस सतीश, राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सुबोध कुमार जायसवाल। सुजीत सिंह जायसवाल जो है डायरेक्टर जनरल है किसके, ITBP के, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के, ठीक है।
यस सतीश विनय राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, आशीष राज राइट, चलिए निलेप राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए। चलें आगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज 25 से 31 में, तो एक आपका इंटरनेशनल वीक मनाया जाता है, आपका एक पूरा सप्ताह मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 25 से लेकर 31 मई तक ये आपका मनाया जा रहा है। तो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज अ टेरिटरी, कैसी टेरिटरी होती है जो अभी जो लोग हैं उनको अभी पूरी तरह से सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिला है, मतलब खुद से अपना जो है यहाँ पर स्वशासन प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनको कहते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। तो उन लोगों के जो अधिकार हैं उसको इंश्योर करने के लिए, क्योंकि भाई जो वहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ पर तो आपका राइट होना चाहिए ना, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन राइट्स को इंश्योर करने के लिए दिन मनाया जाता है। और साथ ही जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि जो भी आपके लोग हैं वहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो करेंटली अगर हम देखें तो 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ हैं आपकी, ठीक है, जिसमें आपका 54 टेरिटरीज़ जो हैं उन्होंने अटेन किया है दी सेल्फ गवर्नमेंट बिटवीन 1916 to 2002। तो अब तक आपकी कुछ कुछ टेरिटरीज तो रह गई हैं, अभी भी 17 ऐसी हैं जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, लेकिन 54 टेरिटरीज आपकी ऐसी हैं जिन्होंने 1960 के से लेकर 2002 के बीच तक अपना सेल्फ गवर्नमेंट को अटेन किया है। सो 1999 में आपका यूएन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव को पारित किया, एक रेजोल्यूशन को पास किया कि भाई एक इंटरनेशनल वीक मनाया जाएगा सॉलिडारिटी का विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज एनुअली, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंकित देखिए इसमें क्या है कि वो अभी जो डायरेक्टर जनरल है CISF के, ठीक है, तो हो सकता है अभी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, उसका CISF का, या फिर उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाएगा। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा करती है कि कई बार एडिशनल चार्ज दे देती है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वो भी आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है CISF, ठीक है, एंड ये भी आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन लेती है, वो किसी और को अपॉइंट करती है या नहीं करती है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम डैश गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह डैश तक मनाया जाएगा 25 से 31, 3 से 9 अप्रैल, 1 से 6 जून, या फिर नन ऑफ द अबव, जल्दी से बताइएगा इसे। करेक्ट आंसर बताइए इसका जल्दी से। यस आशीष, प्रवीण, निर्लेप, अंकित, सचिन, यस विनय, गुरजंत राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 25 to 31 में राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए। वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, वात्सल्य योजना। देखिए वात्सल्य जो वर्ड है ये आपका बच्चों से रिलेटेड है, कहीं भी आए समझ लेना ये जो स्कीम है ये बच्चों के लिए है। सो जो भी आपके अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो है COVID-19 के वजह से जिनकी डेथ हो गई है, सो उनके लिए योजना स्टार्ट की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, ऐसे बच्चों के राइट्स को इंश्योर किया जाएगा, उनको अगर एजुकेशन ले रहे थे अगर वो, तो उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाएगा, और ऐसे बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये का मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उत्तराखंड गवर्नमेंट, ये भी इंश्योर करेगी कि भाई ये जो बच्चे हैं इनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, अब ऐसा ना होना कि बच्चे अनाथ हो गए, जो इनकी
पेरेंट्स की या जो भी पुरानी ज़मीन है उसको कोई और ले ले। तो जो पैतृक संपत्ति है इसकी बिक्री से संबंधित जो भी यहाँ पर लॉज हैं उनको बनाया जाएगा कि भाई उसको ऐसे नहीं बेचा जाएगा, कोई भी ऐसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ नहीं बेचेगा उन बच्चों की जब तक कि वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। सो उत्तराखंड की हम बात करिए, 27वां राज्य बना था भारत का, उत्तर प्रदेश से सेपरेट होकर ये बना था 9 नवंबर 2000 में। करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी कौन सी है? गिरसेन है। एंड ये अपना बॉर्डर जो है तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। यहाँ पर आपका नंदा देवी और वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है। इसके अलावा गाइज एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है, कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भी आपका लोकेटेड है, जो सबसे पुराना हमारा नेशनल पार्क है ना। जिम कॉर्बेट भी आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। तो हम यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं उत्तराखंड की। सो देखिए अपना बॉर्डर इधर तिब्बत के साथ शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है, हरियाणा के साथ शेयर करता है, देन हिमाचल प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, यस राइट, जिम कॉर्बेट भी है यहाँ पे, राइट। आशीष खांचन जोंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है, यस राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में आपका कौन सा पास है? नाथुला पास। आशीष, नाथुला पास आपका सिक्किम में है। नाथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम। उत्तराखंड में आपका लिपुलेक पास है। उत्तराखंड में लिपुलेक है, भूल गए आप हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वात्सल्य योजना फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जल्दी से बताइए गाइस। नहीं, वही कैसे? वही नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए बताइए, वात्सल्य योजना। यस राइट, आशीष, प्रवीण, अंकित, सचिन, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, निलेप, यस तनु, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज उत्तराखंड। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। नासा इज प्लानिंग टू लैंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट ऑन द मून इन द लेट 2023। नासा कह रहा है कि वो अपना एक वाणिज्यिक पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम के अंतर्गत पहला जो मोबाइल रोबोट है इसको मून पर भेजेगा, 2023 के अंत तक कहीं भेजेगा। और ये जो रोबोट है क्या करेगा, ये लूनर सरफेस पे जाएगा, मून पर जाएगा ये, और वहाँ पर आइस के लिए सर्च करेगा, बर्फ के लिए सर्च करेगा, और साथ ही जो अदर रिसोर्सेज हैं ठीक है उनको भी ये सर्च करेगा वहाँ पर। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम होगा रोबोट का वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सपीरियंस रोवर, यानी कि वाइपर। वाइपर इसका नाम रखा गया है। ये आपका कौन से जगह पर जाएगा मून में? साउथ पोल पर जाएगा। ठीक है, जगह भी याद रखिए क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी चाइना का जो ज़ुरोंग रोवर था ये आपका मार्स पे लैंड किया था, लेकिन कहाँ पर? यूटोपिया प्लानिशिया नाम का जो आपका बेसिन था वहाँ पर जाकर वो लैंड किया था। तो ये जो पॉइंट्स है ये कोई इंपॉर्टेंट जो जगह है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हाय इतिशा, हाँ इतिशा भी काफ़ी दिन बाद नज़र आई हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल गाइज, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर वॉचिंग करवाइए। चलिए, सो वाइपर जो है ये आपका फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन है ऑन अनदर सेलेस्टियल बॉडी। वाइपर किसी अन्य खगोले पिंड पर पहला संसाधन मानचित्रण मिशन होगा और ये सोलर पावर पर चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका जो ड्यूरेशन है वाइपर मिशन का ये आपका इंक्रीज कर दिया गया है। अभी इसको एक से जो है 3 ल्यूनार डेज, 100 अर्थ डेज तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है। सो वाइपर विल कैरी 4 इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो आपका कोई भी मिशन भेजा जाता है उसमें इंस्ट्रूमेंट याद कर लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हैं। जैसे कि परसिवरेंस रोवर आपका मार्स पर गया, उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट जो आपका एक पार्ट गया था वहाँ पर इंजेनिटी हेलीकॉप्टर गया था। तो ऐसे ही आपको सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं थोड़ा सा नाम याद होना चाहिए कौन कौन से थे। सो जैसे आपका रेगोलिथ एंड आइस ड्रिल फॉर एक्सप्लोरिंग इन न्यू टेरेन्स, ट्राइडेंट हैमर ड्रिल जाएगा आपका एक,
फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्विंग ल्यूनर ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट एम सोलो इंस्ट्रूमेंट जाएगा, एक आपका नियर इंफ्रारेड वोलेटाइल स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम NIR VSS जाएगा, और एक आपका न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम NSS। तो ये सारे पार्ट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वाइपर के साथ जाएंगे मून पर। सो क्वेश्चन देखिए, नासा इज प्लानिंग टू लैंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट ऑन द मून इन द लेट 2023। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोबोट? वाइपर, ट्राइडेंट, NIR VSS एंड NSS। जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्विकली कमेंट करिए, क्विकली कमेंट करिए गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, देखिए सचिन का आंसर यहाँ पर आ चुका है। यस सचिन राइट, आशीष, तनु राइट, अंकित, प्रवीण, सतीश राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज वाइपर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट देखिए, चीताज टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन नवंबर। नवंबर में क्या होगा, आपके जो चीताज हैं इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। यस निर्लेप, सतीश, इतिशा, रूही, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है। सो देखिए, चीताज को जो है नवंबर में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनको कहाँ से लेकर आया जाएगा? साउथ अफ्रीका से इनको लेकर आएंगे, और कहाँ पर इनको प्लेस किया जाएगा? क्यूनो नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनको प्लेस किया जाएगा। सो भारत में चीताज को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में। तो अब जो है एक चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर किया गया था कुछ साल पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है कि जो अफ्रीकन चीताज हैं, अगर सुटेबल हैबिटेट इसमें भारत में इनको मिलता है तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप इसको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल ये दे दिया है। सो क्यूनो जो है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है नेशनल पार्क? ये आपका चंबल रीजन में आपका लोकेटेड है, ठीक है। सो क्यूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो इसके अलावा इन्होंने अलग अलग जगह पर भी विजिट किया था चेक करने के लिए कि कहाँ पर इनके लिए बेटर जगह होगी। सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नौरादेही सेंचुरी सागर डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड है। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि इन्होंने अलग अलग जगह पर विजिट किया, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पर है या नौरादेही सेंचुरी कहाँ पर है, क्योंकि आपकी ये चर्चा में आ गई है, ठीक है। सो गांधी सागर सेंचुरी ये आपका नदन बाउंड्री ऑफ मांडसौर जो नीमूच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये प्रोजेक्ट चीता के लिए पैसा रिलीज करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर जो है आपकी 3-member committee भी अपॉइंट की थी ताकि आपका जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसको गाइड कर सके ऑन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। सो चीता की हम बात करें तो इनको वल्नरेबल कंसिडर किया जाता है अंडर दी IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट जारी करती है ना, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं आपकी, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इस तरह से करके आपकी कैटेगरीज होती हैं। तो उस कैटेगरी में ये वल्नरेबल जो है कैटेगरी में है, यानी कि असुरक्षित ये माना जाता है। साइंटिफिक नेम याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार। तो एसिनोनिक्स जुबाटस जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो है दुनिया का है। ये ज़्यादातर आपका अफ्रीका और जो सेंट्रल ईरान है वहाँ का मूल निवासी है। सो क्वेश्चन देखिए गाइस, इन नवंबर चीताज विल बी ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू क्यूनो नेशनल पार्क इन डैश अंडर द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। नवंबर में चीता रीइंट्रोडक्शन परियोजना के तहत चीतों को दक्षिण अफ्रीका से डैश में क्यूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। यस राइट, यस सचिन, अंकित, आशीष, यस प्रवीण, यस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तनु, आशीष, यस इतिशा, यस प्रवीण राइट, मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, वेरी गुड गाइस, यस गुरजंत राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, सो आपके कौन है ये, असम के चीफ मिनिस्टर है, ही इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। सो हेमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद, जो आपकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल है, इसका क्या नियुक्त किया गया है, इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ठीक है। सो इनको 2021 से लेकर 25 के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का, और वर्तमान में हम देखें तो ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। तो
आपका बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है इनको क्या बनाया गया है, इनको मेंबर अपॉइंट किया गया है इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में। सो बीडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए हैं। बीडब्ल्यूएफ के उपाध्यक्ष थाईलैंड के खुनियंग पटामा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो अभी क्या हुआ था, अभी इलेक्शन हुआ था आपका। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल जो है वोटिंग करती है और अध्यक्ष चुनती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। तो पहले जो पॉल एरिक होयर थे इनको निर्विरोध चुन लिया गया है, और जो उपाध्यक्ष की पोस्ट है, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उस पर थाईलैंड के खुनियंग पटामा जो है इनको चुन लिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपके बीडब्ल्यूएफ के जो उपाध्यक्ष हैं, स्विट्जरलैंड के पॉल कुर्जो को भी निर्विरोध जो है निर्वाचित चुन लिया गया है। ठीक है, सो आप क्वेश्चन देखिए, आप सॉरी बीडब्ल्यूएफ के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। सो दिस इज इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, और ये 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था एज द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके कुआलालंपुर मलेशिया में है, और प्रेजिडेंट कौन है इसके, पॉल एरिक होयर लार्सन है। कौन है इसके प्रेजिडेंट, पॉल एरिक लॉयर होयर लार्सन है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नंबर ऑफ क्वांटिटी अभी अंकित अभी आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी श्योर नहीं है, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, टाइगर का साइंटिफिक नेम जो होता है पैंथेरा टाइग्रेस होता है, बिल्कुल आशीष राइट। चलिए, सो क्वेश्चन देखिए, उमंग दी फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड टू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल इन मई 2021, निनमें से किसे मई 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद में नियुक्त किया गया है। हिमंता बिश्व शर्मा, पुलेला गोपीचंद, किरण रिजिजू एंड राजवर्धन राठौर, फटाफट से बताइए गाइस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हिमंता बिश्व शर्मा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस सचिन राइट, करेक्ट आंसर है। प्रवीण, अंकित, आशीष, निर्लेप, राहुल, इतिशा, यस गुरजंत, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज हिमंता बिश्व शर्मा। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस न्यूज़ देख लेते हैं गाइस। तो इसमें आपकी जो पहली न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च की है, सो स्कीम कौन सी है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, ये किस लिए की गई है, ताकि जो आपकी ऑक्सीजन डिमांड है उसको मीट किया जा सके। ठीक है, जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, उसको मीट किया जा सके, इसीलिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम किसने लॉन्च की है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो इसमें क्या करेंगे, आपके यूनिट्स जो हैं अलग अलग जगह पर सेटअप किए जाएंगे, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, धुले, नंदुरबार, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग रीजन, इन सब में यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, एक और आपकी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ अवनी भूटानी, तो इनको इलेक्ट कर लिया गया है, शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट, मतलब इलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए चर्चा में थी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका न्यूज़ है, ठीक है, मिसलेनियस न्यूज़। एंड इसके अलावा मोहाली में आपका जो एक हॉकी स्टेडियम है, ठीक है, मोहाली में जो हॉकी स्टेडियम है, इसको जो बलबीर सिंह है, बलबीर सिंह सीनियर, अभी तो हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर जो थे उनका निधन हो गया था, ठीक है, जो बलबीर सिंह सीनियर हैं, जो कि एक फेमस हॉकी प्लेयर हैं भारत में, उन्होंने खेला भी था, उन्होंने काफ़ी हॉकी में रिप्रेजेंट किया था भारत को। ठीक है, जो आपकी इंडियन टीम जीती थी लंदन ओलंपिक्स 1948 में, फिर हेल्सिंकी में जीती थी 1952 में, मेलबर्न में जीती थी 1956 में, तो उस टीम के ये पार्ट थे। ठीक है, गोल्ड जीता था इसमें इंडिया ने, ठीक है, हॉकी में। सो बलबीर सिंह के नाम पर ये जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है, इसको जो है नेम किया जाएगा, उनको डेडिकेट किया जाएगा उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पर। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, जो एमबी राजेश हैं इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द स्पीकर ऑफ
केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर किसको चुन लिया गया है? एमबी राजेश को चुन लिया गया है। ठीक है, मोहाली आपका पंजाब में है, मोहाली हॉकी स्टेडियम आपका पंजाब में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पुलेला गोपीचंद, राहुल पुलेला गोपीचंद को नहीं जानते आप? इतने फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे वो। ठीक है, अभी तो वो कोच के तौर पर जो है काम करते हैं। ठीक है, अभी वो कोच की तरह एक्ट करते हैं अभी। ठीक है, सो एम बी राजेश जो इनको स्पीकर अपॉइंट कर लिया गया है ऑफ द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दी है। सो गाइज, इस तरह से हमारा सेशन जो है ये एंड होता है। सो आज जो 9 बजे की क्लास होगी द हिंदू की, एंड देन जो SSC वाली इंग्लिश की क्लासेज हैं वो आज भी नहीं हो पाएंगी। मनीषा मैम इज़ नॉट स्टिल फीलिंग वेल, उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी एंड देन उसके बाद वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उनकी। सो होपफुली कल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा द हिंदू वोकैब का। एंड गाइज, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 1 बजे होगी आपकी, जिसमें हम SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 बजे मेरे साथ ज्वाइन करिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। वेबसाइट जो है pendulumedu.com, उस पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, मंथली PDFs, वन लाइनर्स सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, साथ ही क्विजेज अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए वहाँ पर जाकर, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल आपके लिए, उसको पढ़िए, रिव्यू दीजिए। सो गाइज, अच्छे से तैयारी करते रहिए एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं हम लोग 1 बजे वाली क्लास में।